तो आज का काम हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है हमारे सामने वो क्या है, अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना, बिगेस्ट पार्टनर है ना। कल अपन ने इस पर एक क्वेश्चन भी देखा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें क्या है इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ में कितना हो गया था, 119.42 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। उसी खबर को थोड़ा सा अपन और आगे देखने जा रहे हैं, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। चलिए देखो, जो फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड मेनली किन दो बातों पर डिपेंड करता है, यदि फॉरेन ट्रेड की चर्चा आ रही तो डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, आप डिमांड सप्लाई बोल रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिए, किसके लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए। अपन बात करें किसकी, फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड जिन दो एंटिटी पर डिपेंड कर रहा है वो कौन सी, एक तो इंपोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट, है ना। और यदि मान लो किसी देश को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है तो उसका ध्यान इंपोर्ट पे ज्यादा होगा या एक्सपोर्ट पे, ठीक है ना। सीधी बात है, अगर मान लो उस देश की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो तो वो क्या बहुत जल्दी से ग्रो कर पाएगा, और यदि मान लो इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी तो नहीं कर पाएगा, है ना। पाकिस्तान का हालत इस समय क्या है, एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की तरह ही है, जो चाइना से दे दनादन इंपोर्ट करता चला जा रहा है और कर्ज के तरह दबता भी चला जा रहा है ना। अब तो ये हालत हो गई है कि चाइना में जो है ना जिन्ना का नोट नहीं चलेगा, वहां पे माओ ज़ेडुंग का नोट चलेगा, है ना, बिल्कुल। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करोगे तो एक्सपोर्ट में कौन, चाइना। चाइना को ये बात जो है ना आज से 30-50 साल पहले, 40 साल पहले समझ में आ गई थी कि हाँ, यदि दुनिया को क्या करना है, रूल आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जेबों को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, फैक्ट्रीज लगाओ, प्रोडक्ट्स बनाओ भयंकर मात्रा में बनाओ, और इन सबको क्या करो, एक्सपोर्ट करो दुनिया को, और दुनिया को अपनी लत लगा दो। मुझे तो तेरी लत लग गई। सोचो मोहित की और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है, मोहित को मेरी लत लग गई, मुझे मोहित की लत लग गई, ठीक है। चलिए अब हम बारी बारी से देखते हैं, यहां पर देखिए फॉरेन ट्रेड की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, फॉरेन ट्रेड इज इंजन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को यदि मिलिट्रली, चाहे स्पेस में है ना, या फिर किसी और मतलब क्या कहना है, इंडस्ट्रियल रूप में क्या कहना है, ऊपर आना है, क्या करना है, ऊपर आना, इन द सेंस डेवलप करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, खुद को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक मेन चीज है। आपने वो कहावत सुनी है कि भूखे पेट भजन नहीं होते लाला, ठीक है ना। ये चीज, अगर पैसा नहीं है तो चाहे कितनी भी कोई कैसी बातें मार ले, साइकोलॉजिकल टाइप की, फिलोसॉफिकल टाइप की, वो अपने काम की नहीं है, ठीक है ना। पहले पैसे वाली बात आएगी, पैसा जेब में आ जाए, है ना, मतलब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा बना रहे, ठीक है ना, और भविष्य के लिए भी जो आपकी पीढ़ियां हैं उनकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे, तो फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो अपने हिसाब से। कहने का सेंस है ये, चाइना आज यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और भारत तो खैर ये नहीं कर रहा, लेकिन भारत के जो माननीय नेतागण हैं बहुत सारे, और जो बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो यही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा नहीं करना, ठीक है। महिलाओं, लड़कियों से बोलेंगे पूजा सिंगल मत बनना, कि छापे छापे पड़े, ठीक है। लड़कों से बोलेंगे पीयूष जैन मत बनना, कि छापे हुए छापे पड़े, ठीक है। तो भी आप देखो, कुल मिला के आप क्या हो, आप देश के नागरिक ही हो ना, ठीक है ना। आपको क्या है, आप सिटीजन हो इंडिया के, है ना, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप जो भी इनकम कर रहे हो उसका प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को पे करो, है ना। उसी से क्या है, सरकार चलेगी और देश चलेगा, नहीं तो नहीं। ब्लैक मनी लेके उसका जो टैक्स पे करोगे ना, फिर अगली बार ब्लैक मनी कहां से लाओगे, तो आपसे सरकार हिसाब पूछेगी कि पिछली बार जो तुमने भरा था टैक्स, इस बार क्यों नहीं भर रहे हो, तो बताओ पिछली बार का स्रोत, सोर्स क्या है ना। बहुत रट्टे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी से चलो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आप अगर मान लो टैक्स ज्यादा दोगे भी ना अगले साल जाके, तो ये रहेगा कि आप जो ना आईटीसी मतलब टैक्स रिटर्न के लिए फाइल, वो कहते हैं अपन रिटर्न फाइल करना, आप जो ना बिल्कुल वापस भी ले सकते हो, वो जीएसटी के मामले में होता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो तब देखो, मैं यहां बता रहा हूं बात, इंडिया है, इंडिया का ट्रेड क्या है, ये कौन सा देश है, यूएसए। तो यूएसए के साथ में हमारा क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों प्रकार का रिश्ता चलता है कि नहीं चलता है, क्या बोल रहे हो, 119 इमरजेंसी नंबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और अभी आपको दिख रहा होगा इस समय
इंडिया का जो फेवरेबल है वो कौन, मतलब नंबर वन पे जो ट्रेड पार्टनर है वो कौन है, यूएस है, 119 बिलियन डॉलर है कि नहीं है। अच्छा ये बोल रहे थे आप, मुझे लगा इमरजेंसी नंबर बोल रहे है ना, 112 या ना 113 इमरजेंसी नंबर भी है यूएस का, है 911 है क्या, पता नहीं मुझे 119 क्लिक करा मूवीज देख के, है ना, इसीलिए। चलो खैर जो 911 होगा हो सकता हो, है नहीं, अपन लोग कंफ्यूज हो रहे हो सकता हो, खैर अपने काम कर, तो फिर 911 ही होगा, है ना, अगर आप 100% कंफर्म है तो। ठीक है चलिए, तो देखो सीधी बात यह कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी जो फॉरेन ट्रेड चल रहा है, इस फॉरेन ट्रेड के चलने का कारण क्या है। पहला कारण तो यह है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो हमारे इंडिया में अवेलेबल ना हो, जो कहां पे अवेलेबल हो, अमेरिका में, तो वहां से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे जो क्या है, इंडिया में अवेलेबल नहीं, सॉरी इंडिया में अवेलेबल है और यहाँ यूएस में अवेलेबल नहीं है, तो ये हमसे उसकी मांग कर सकते, तो हम इनको उन प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे क्या फॉरेन करेंसी को अर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रिश्ता क्या हमारा यूएस के साथ भी चलता है, यही सेम रिश्ता हमारा क्या है यूरोपीय यूनियन के साथ भी चलता है, बताए यूरोप। आप देखना ज्यादातर जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की जानते हो गंदी आदत क्या होती है, जब ये डेवलप्ड हो जाते हैं ना तो ये लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत कम कर देते हैं, फिर ये सामान जो होता है मतलब जो भी गुड्स होता है कमोडिटी होती है उनको क्या बाहर से अपने यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, इनकी आदत रहती है। तभी तो आप देखो ना अमेरिका की आदत क्यों इतनी खराब कर दी चाइना ने, चाइना ने धनाधन क्या गुड्स बनाए और उन गुड्स को किसको बेचा, अमेरिका को, और अमेरिका के लोगों को उसी की लग गई आदत लग गई है कि नहीं, वही कहीं ना कहीं यूरोप में होगा। वो अलग बात है कि अब क्या जो कोविड क्राइसिस आया उसके बाद में लोग चाइना से कटने लगे हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं अपन देखो इसके साथ में क्या प्लस में चलते हैं अपने ट्रेड को लेकर, और थोड़ा बहुत यूरोप के साथ में, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यूरोप की कुछ कंपनी कंट्रीज के साथ में, कंपनी नहीं कंट्रीज के साथ में, हर कंट्री के साथ में नहीं, है ना, लेकिन एक कंट्री जिसके साथ अपन क्या निगेटिव में चलते हैं वो कौन सी कंट्री है, तो वो है चाइना। ठीक है, ये जो चेहरा है, चेहरा इसे थोड़ा टेढ़ा करके बड़ा कर दो तो ऐसे ही लगेगा पूरा ये। ठीक है चलिए, तो इसके साथ हमारा जो ट्रेड चलता है वो हमारा क्या हो जाता है निगेटिव, मतलब यहां पर हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं इससे। ठीक है ना, इंपोर्ट हम ज्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट हमारे इसको क्या रहते हैं कम रहते हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे क्या, इसको दिक्कत तो ये है ना, वो सब कुछ बना ही रहा है अपने देश में, उसे आवश्यकता ही नहीं है आपके एक्सपोर्ट की, सब कुछ बना मारा उसने, कुछ छोड़ा ही नहीं भाई, वायरस तक बना मारा उसने, तो वो भी एक्सपोर्ट कर दिया पूरी दुनिया में। आइए ठीक है ना, ये तो जो अपन ने अभी फॉरेन ट्रेड की बात देखी, जो इंट्रोडक्शन देगा वो समझ में आया कि नहीं आया, फॉरेन ट्रेड में दो बात में कौन सी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली। ठीक है, और हमको पता है जो फॉरेन ट्रेड है हम लोग क्या है पुराने समय से करते हुए चले आ रहे हैं, है ना, जब हमारे इंडिया में पहली बार कौन सी सिविलाइजेशन आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, उसी टाइम से ये फॉरेन ट्रेड बराबर चलता हुआ मिल रहा है। आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनते थे जो कहाँ पे भेजे जाते थे, मिडिल पर्शिया में भेजे जाते कि नहीं भेजे जाते थे, जैसे बिल्कुल ठीक है ना, और हम लोग भी ये वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाते थे, है ना। ये चलिए तो देखो इसमें क्या दो चीजें, एक तो है पहला हमारा एक्सपोर्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारा क्या इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड के ये दो मेन क्या है कंटेंट हैं। चलिए तो अब एग्जाम में मेंस के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको यहां पर इसका क्वेश्चन दूंगा करने के लिए सॉल्व, जो आपको क्वेश्चन घर से लिखकर लाना है, इसलिए इसको मैं क्या आपको उसी लेवल पर समझा रहा हूं अभी। ठीक है, इसका इंपोर्टेंस देखिए, किसका इंपोर्टेंस देखने जा रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट का इंपोर्टेंस क्या होता है। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि एक्सपोर्ट का इंपोर्टेंस बताइए फॉरेन ट्रेड में, तो कोई बता पाएगा कि इंपोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं पहले। बिल्कुल, और बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, कल्चर प्रमोट हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट, है ना, ये चीज है। चलिए, मतलब आपने अपने आइडियाज दिए ना, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही हमको सोचते हुए चलना है ना। तो देखो पहला हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। सीधी बात है, अगर मान लीजिए हमने हमारे यहाँ पर जो वीट है वो अच्छी खासी मात्रा में उगा लिया, वो जो वीट है उस वीट को आपने इंडिया के जो 140 करोड़ लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, उससे सभी का पेट भर गया, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको आपने क्या कर दिया एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करके फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा मेनली फॉरेन करेंसी का। मैंने क्या बताया कि जो ट्रेड किया जा रहा है, जब भी व्यापार यानी ट्रेड की बात आती है तो ट्रेड में हमेशा क्या देखे जाते हैं, हमेशा इकोनॉमिक रिलेशन देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं इकोनॉमिक रिलेशन। चलिए फिर सेकंड क्या है, टू ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज। चूंकि वर्तमान में आप देखना पूरे वर्ल्ड की जो रिजर्व करेंसी वो कौन सी है, डॉलर है कि नहीं है रिजर्व करेंसी,
तो हम चाहेंगे कि हमको क्या मिले, डॉलर मिले, क्योंकि इसी डॉलर की सहायता से आप क्या करने वाले हो, सऊदी अरब से क्रूड ऑयल मंगवाने वाले हो, है ना। यदि मान लो सऊदी अरब से हम लोग जो ना तेल क्रूड ऑयल मंगवाएंगे और वो हमसे पैसे मांगेगा, तो पैसे में क्या वो गांधी जी तो लेगा नहीं हमसे, है कि नहीं है, वो तो लेगा उसी को, किसको, डॉलर को। डॉलर पर किसका फोटो बना रहता है, फोटो रहता है ना डॉलर पे, अब्राहम लिंकन का फोटो, बुश का। इट्स ए होमवर्क, पता करके बताना, ठीक है। उस डॉलर पे जो फोटो बना हुआ रहता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति कौन है जो इस साइड देख रहा होता है, जॉर्ज वॉशिंगटन, बुश बोल रहे थे ना पहले आप, वॉशिंगटन, क्योंकि WDC जो वो राजधानी कैपिटल है ना। चलिए, चलो अब हम देख रहे हैं किसका इंपॉर्टेंस, इंपोर्ट, इसका इंपोर्ट का। तो इसका इंपॉर्टेंस है क्या, टू मीट शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। जैसे एग्जांपल मैं किसका ले रहा हूं, यहां पर क्रूड ऑयल का। आपको पता है इंडिया में बॉम्बे हाई है, असम का डिगबोई है ना, गुजरात का अंकोल है, अंकोला कौन सा है, कोयली है ना, ये जो कुछ एरियाज हैं वहां पर आप देखना पेट्रोल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता, पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है। लेकिन क्या उस क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से हम अपने डेली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना। डेली रिक्वायरमेंट जो ऊर्जा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से जो एक्सेस ऑफ क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम अपनी क्या हुई एनर्जी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप देखना वहां से जो क्रूड ऑयल चलकर आता है, आप देखना वहां से जो क्रूड ऑयल चलकर आता है, उस क्रूड ऑयल को क्या आप डायरेक्ट अपनी गाड़ियों में डाल लेते हो, नहीं ना, वो पहले कहाँ जाएगा, रिफाइनरीज में। जैसे अपने MP में कहाँ पर है रिफाइनरी, बीना में रिफाइनरी है कि नहीं, बीना सागर, ठीक है ना, वहां पर वो कच्चा तेल जाएगा, उससे क्या बनेगा, पेट्रोल डीजल केरोसिन कोलतार वगैरह सब चीजें बनकर निकल आएगी। तो अपने काम का उसमें क्या पेट्रोल डीजल केरोसिन रहता है, ठीक है ना। पेट्रोल से अपनी क्या टू व्हीलर चलाएंगे, डीजल से हैवी फोर व्हीलर चलेंगे, केरोसिन से किसी घर में आग लगा देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा क्या है, टू मीट द नीड ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पता है आप लोगों को, आपको ध्यान है जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो कैपिटल गुड्स मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कैपिटल गुड्स आपको मिले लिखा हुआ तो आप अपने माइंड मशीन लेना, हालांकि चीजें और भी होती है लेकिन एक ये कॉमन एग्जाम्पल है कौन सा, मशीन वाला, ठीक है। क्योंकि कैपिटल गुड्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इनको आप मंगवा ही इसीलिए रहे हो क्योंकि इससे आप क्या प्रोडक्शन करके और पैसा जनरेट करोगे, है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर है, क्या कैपिटल गुड्स। जैसे मान लो हमारे देश में कपड़ा बनाने की एक मशीन है, शर्ट बनाने की, मान लो एग्जाम्पल है ना, एक मशीन है जो क्या है, एक मशीन है 100 शर्ट एक दिन में बनाती है, ठीक है। आपने क्या करा, आपको पता पड़ा कि अमेरिका में जो ना एक ऐसी मशीन बनकर तैयार हो चुकी है जो क्या एक दिन में 1000 शर्ट बना देती है, तो आप क्या करोगे, पैसा खर्च करके वो मशीन अमेरिका से यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, और फिर आप डेली के डेली क्या करोगे, जब पहले आप जो 100 शर्ट बनाते थे अब आप 1000 शर्टें बनाओगे डेली के डेली, और आप उनको क्या करोगे एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी अर्न करोगे, है कि नहीं। तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा, यानी कि ये तो कैपिटल गुड्स में क्या है, वो मशीन आएंगी जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, और एक्स्ट्रा कैपिटल के निर्माण के लिए, या कह लो पूंजी के निर्माण के लिए, हिंदी में यदि बोल दो ये पूंजी शब्द जो आता है। चलिए आगे बढ़े, और अगला हमारा क्या है, टू ऑप्टेन इंपॉर्टेंट इनपुट्स। इनपुट्स माने जैसे आप देखना हमारे यहां जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में जो हमारा पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर है, इसको हम पूर्ण रूप से कहां से, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, किसको, पोटेशियम फर्टिलाइजर को। तो देखो पोटेशियम फर्टिलाइजर को आप बाहर से पूरी रूप से इंपोर्ट करके इंडिया में लाओगे तो वो कहां पे यूज आएगा, आपके प्राइमरी सेक्टर में, किसमें, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू विच, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर की ये क्या एक अच्छे इनपुट का काम करेगा, ठीक है, और फिर इससे क्या होगा आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़कर ही आएगी, है ना, चावल गेहूं दालें वाले अच्छी खासी क्वांटिटी में होंगी, जिसका यूज देश में करने के बाद में जो एक्स्ट्रा सरप्लस बचेगा उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये चलिए आगे बढ़े, अब देखो इसमें देखो दो बात निकल कर आएंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी को ध्यान है ये बात हमने पढ़ी थी उस टाइम पे, देखो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अरे
जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, ये इसी का पार्ट है, किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है ना। क्योंकि देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी तीनों चीजें आ गई हैं, गुड्स भी आ गया है, सर्विसेज भी आ गई हैं और कैपिटल भी आ गया। गुड्स में अपनी क्या जाएंगी, कॉमोडिटीज, वो कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर कॉमोडिटी हो जैसे कि वीट या राइस, चाहे वो कोई क्या कहते हैं आपकी इंडस्ट्रियल कॉमोडिटी हो जैसे कि मान लो कारपेट, कालीन वगैरह होते कि नहीं होते, ठीक है ना। और कैपिटल में आपकी क्या जाएगी, मशीनरी। जैसे हमारे इंडिया में अपन एमपी में आ जाओ, एमपी में कहाँ पहुँचो, भोपाल में, भेल है, भेल, भेलपुड़ी वाला भेल, DHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1956 में। ध्यान रखना ये कुछ फैक्ट्स हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इसीलिए। है ना, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में जो बड़े बड़े जनरेटर बनते हैं, जो बड़ी बड़ी हैवी मशीन बनती है, उनका हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी को अर्न करने के लिए, है ना। आप एक चीज देखना, जो दो बातें निकल कर आती, कौन सी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली। हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं दूसरे देश से अपने इंडिया में, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा मतलब इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, पेट्रो प्रोडक्ट्स, है ना। लेकिन अभी कुछ समय से क्या, पेट्रो प्रोडक्ट्स जगह कौन आ गए, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ गए कुछ समय से, ठीक है ना, कैपिटल गुड्स में ये, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया है, कारण है ना, आप देखना व्हीकल्स हाइब्रिड हो चुके हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी के इंजन आ गए हैं, तो क्या है, फ्यूल की कंजम्पशन भी कम हो गई है, ठीक है। पेट्रोल महंगा हो गया तो लोगों ने पैदल चलना भी शुरू कर दिया, तो वो डलवाते ही नहीं है, इससे बढ़िया वो 100 रुपये का बाजार में पेट्रोल डलवाएंगे, 100 रुपये खुद खा लेंगे, खुद ही चल लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल पेट्रोल नहीं पियेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो पता वाला पेट्रोल पी लिया, वो कोई मतलब ही नहीं पेट्रोल पीने का, तो ठीक है ये चीज़। चलो तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इसी का पार्ट है, किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसमें केवल क्या था, गुड्स आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो बोला जाता है कि विद इन अ वन ईयर, बात सुनना ध्यान से, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या बोल रहे हैं, विद इन वन ईयर इंडिया और इंडिया के जो अदर देशों के साथ में जो भी क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसके लेखा जोगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसको लेके, केवल गुड्स को लेके। यहां समझना आप लोग, जैसे मान लो ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसको हम क्या बोले, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत सा ऐसा सामान होता है जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहा इंडिया मंगवाते हैं, है कि नहीं है। जैसे आप देखना ऑस्ट्रेलिया से हम लोग गोल्ड मंगवाते कि नहीं मंगवाते, सोना, भारत लोगों का एक तो सोना बहुत पसंद है और एक सोना बहुत पसंद है, सोना वोना वही लटके रहते हैं, जो नहीं सोनिया गांधी पसंद नहीं है, ठीक है। तो देखो सोना बहुत पसंद है, गोल्ड, जो मैं सोना सोना बोल रहा हूँ, एक तो सोने वाला सोना और एक गोल्ड वाला सोना। तो ऑस्ट्रेलिया से हम देखना जो गद्दे होते हैं, गद्दे सोने के लिए, गद्दे बहुत इम्पोर्ट करवाते हैं, और उसी ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या, जो पहनने वाला गोल्ड है वो भी बहुत इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर सोने के प्रति दीवानगी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, है ना। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट भी, तो वो चीज़ क्या हो गई, एक मिनट रुकना, गोल्ड वाली चीज़ क्या हो गई यहाँ पर इम्पोर्ट, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं इंडिया से दूसरे देशों में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो ईरान को हमने क्या कर दिया, वीट, ईरान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आएगा कि नहीं आएगा, वीट नहीं सॉरी, इसको हम क्या मेनली करते हैं, चावल यानी कि राइस, हाँ पैडी वही चीज है ना। तो देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम क्या बोल रहे हैं, विद इन वन ईयर केवल गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी कैपिटल मशीनरी की बात कर रहे हैं, ओनली गुड्स। गुड्स में क्या आ जाएगा आपका, वो एग्रीकल्चर गुड्स या फिर आपका इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स जैसे कि वीट, राइस, एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कि कारपेट, कालीन, बताया था कि नहीं बताया था, कुछ भी हो सकता है, और मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, है ना, इस टाइप से। उन सभी का जो लेखा जोखा है, उन सभी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टोटल डिफरेंस निकल कर आएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, ठीक है ये चीज। और हम एक चीज देखेंगे, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों बातों को दिखाएगा। कैसे, अगर मान लो हम लोग गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या होगा, पल्लवी, नेगेटिव। यदि मान लो हम लोग क्या है, चाइना की तरह, जैसे चाइना करता ना, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करे और इंपोर्ट कम से कम करे, तो ट्रेड हमारा क्या रहेगा, हमेशा
प्लस में ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, तो वो चीज हो पाना बहुत मुश्किल रहती है। लेकिन अब आने वाले टाइम में देखते होती कि नहीं होती, लेकिन चाइना केस में तो अभी पॉजिटिव है ना। जैसे हम देखते हैं इंडिया का जब हम यूएस के साथ में रिलेशन निकालते हैं किसको लेके, फॉरेन ट्रेड को लेके, तो वो प्लस में है कि नहीं इस समय 38 पॉइंट समथिंग कुछ करके, बिल्कुल ना 32 पॉइंट समथिंग अपन क्या उसके साथ में ट्रेड सरप्लस में है, किसके साथ में उसमें यूएस के साथ में। लेकिन अगर मान लो आप चाइना से कंपेयर करोगे तो हम लोग काफी पीछे हैं, मतलब 60 बिलियन समथिंग कुछ इस प्रकार का है जो हमारा क्या चल रहा है, वहां पे नेगेटिव ट्रेड चल रहा है किसके साथ में, चाइना के साथ में। चलिए फिर क्या अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पता है सभी के सभी आ गए, आपके गुड्स भी आ जाएंगे, सर्विसेज आ जाएंगी आपकी, सर्विसेज पता है ना, जैसे H1B वीजा अप्लाई करके कोई व्यक्ति यहां से अमेरिका गया, वहां पर जाकर उसने अमेरिका में काम किया और वहां पर जो भी डॉलर अर्न करे उसको कहां भेजा, इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस इंडिया में, या फिर केरल में जो हमारे बहुत सारे भाई बंधु रहते हैं है ना, वो लोग कहां जाएं, ओमान, UAE, कुवैत, वहां पर जाकर काम करके पैसा कमा कर उसे कहां भेजे, इंडिया में, इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस है ना, सर्विसेज में आ जाएगा। आप देखना अपने केरल के जो लोग होते हैं ज्यादातर जो अरब देशों में जाते हैं वहां पर जाके वो ड्राइविंग करना है ना, या फिर मॉल में अपनी सर्विसेज देना है ना, या फिर वेटर है ना, यही काम करते हैं ज्यादातर के, क्योंकि वहां पर वैसे तो कोई काम है नहीं ज्यादातर इंडस्ट्री वाला, क्योंकि उनके पास क्या है, तेल के हैं कुएं, उन्हें कुछ नहीं करना, एक नया कुआ खोदना है, तेल निकालना है, बेचना है, डॉलर कमाने हैं है ना, और जितनी भी सुख सुविधाएं की वस्तु होती है उन्हें बाहर से मंगवा लेना है, ठीक है। तो वहां पर इंडस्ट्रीज का कोई काम ही नहीं हो, तो बाहर से लोगों को बुलवा के अपने यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट करवा लेते हैं, ठीक है ना। ये चलिए, और कैपिटल में अपना क्या कहता था, मशीनरीज, ठीक है। तो देखो इन तीनों चीजों का मिलाकर, इन तीन चीजों को मिलाकर जो पेमेंट वाली बात आ रही है, पैसे वाली बात, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, क्योंकि रिजर्व करेंसी डॉलर ही है ना, पेमेंट शब्द है और रिजर्व करेंसी डॉलर है, तो हम डॉलर की बात करेंगे। एग्जाम्पल मैं अभी यहां पर एक गुड्स का लूंगा, वो गुड कौन सा, हमारा क्रूड ऑयल, ये एग्जाम्पल मैं यहां लिए लेता हूं वापस से, और एक देश का एग्जाम्पल लेते हैं, वो देश कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका के यहां पर क्या हो गया था इस समय, श्रीलंका की लंका लग गई थी पूरे तरीके से उस टाइम पे, कि जब वहां पे कुछ बचा ही नहीं था है ना, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो लोग क्या है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्रूड ऑयल को क्या कर पाए, इंपोर्ट कर पाए, वो तो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, इराक से, ईरान से, सऊदी अरब से तेल तो आ रहा है चल के, लेकिन किस आधार पर आ रहा है, किस बेस पर आ रहा है, ये कहकर आ रहा है कि आपको हम जो ना ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत भेज रहे हैं आपका यहां पर, बस इसी समय के बाद में जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाए तब आप हमारा पैसा लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो आज में क्या है, सब कुछ भरोसे भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका आई मैग्नस से भरोसा है ना, आई मैग्नस का आप पे भरोसा है, तभी तो चल रहा है ना। अब वो बात अलग है, एग्जाम मेरे को जो ना सर पर आ जाए और कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ हो है ना, तो वो उस समय की बात है, अभी कुछ नहीं है ना, लेकिन टेंशन मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि एग्जाम आया और कोर्स कंप्लीट ना हुआ तो फिर आपको कह रहे सर आप लोग समय बड़े वादे करे थे, जैसे प्रेमी प्रेमिका से वादे करता है, सारे वादे तोड़ के जा रहे हो आप तो। चलिए तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने किसके लिए, क्रूड ऑयल का और श्रीलंका का है ना। श्रीलंका केस में क्या हो गया था, ये धनाधन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इंपोर्ट करा चला जा रहा था है ना, और एक्सपोर्ट में कुछ हो नहीं रहा था। आपको पता होगा श्रीलंका में सबसे ज्यादा किसकी पैदावार होती है, प्राइमरी प्रोडक्ट में टी, चाय की होती कि नहीं होती है ना। लेकिन इनके एक महान प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या अभी रिजिग्नेशन दे दिया था, वो क्या चीज लेकर आए थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट लाए थे कि नहीं लाए थे, बिल्कुल। तो उस ऑर्गेनिक फार्मिंग ने क्या किया, 50% का जो प्रोडक्शन था टी का वो बिल्कुल डाउन कर दिया, ऐसी की तैसी हो गई पूरी की पूरी, ठीक है ना। आपने यहां पर वो आया था ना कॉन्सेप्ट, कौन सा था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर अभी सरकार बिल्कुल चुप बैठ गई इस समय ना, कुछ नहीं बोल रही सरकार, सरकार ने क्या है ये चीज देख ली है यहां पर, ठीक है, मतलब नहीं, लेकिन देखो ये चीज बाद में हुई, ध्यान रखना ये चीज बाद में हुई है, ये तो चीज पहले ही आ चुकी थी, ये बाद में हुई है, इसका मतलब ये है कि यहां पर सरकार के साथ में कोई एक ना एक गजब का व्यक्ति तो बैठा ही होगा जिसने इनको क्या अकल दे दी कि इतनी ज्यादा अपनी अकल मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए है ना, और वो रिजल्ट यहां पर निकल कर आ भी गए श्रीलंका वाले मामले में। तो ये बात समझ में आई जो अपन ने यहां पर देखी, तो यहां पर क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है और एक्सपोर्ट ना के बराबर है ना, तो फिर आप उसका पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट क्राइसिस आएगा कि नहीं आएगा है ना, पेमेंट आपको किस रूप में करना है, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, ठीक है ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा, श्रीलंका से कर्जा लो, ओ श्रीलंका से बोल रहा हूँ, चाइना से कर्जा लो, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर वो आपको कर्जा देगा है ना, फिर क्या है वो पोर्ट बना देगा, बोलेगा आप टेंशन मत लो, ये आपके लिए पोर्ट डेवलप कर दिया गया, यहाँ पर आके शिप्स रुकेंगे है ना, यहाँ से आपको किराया मिलेगा, आप भी कमाना और उस किराए से हमारी किश्ती भी क्या कर देना, भर देना
है ना, लेकिन जिसने उस पोर्ट को डेवलप किया उसे तो पता है ना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसे वहां पर क्या दिख रहा है, अपना मिलिट्री अड्डा, ठीक है ना, उसे अपना वहां पर मिलिट्री बेस दिख रहा है कि ये तो मेरा मिलिट्री बेस है, बस सामने वाले को उल्लू बनाते रहो यार, जैसे किसान को उल्लू बनाते ना अपने यहाँ पर अधिकारियों नेता लोग, है ना, कि अरे ये जमीन तो बंजर है, एक काम करो बेचवा दो तुम, है ना, हम इतने दाम ओने पौने दाम में हम खरीद लेते, पता पड़ा कि आने वाले 2-3 महीने बाद वहां से हाईवे निकलने वाला था, तो किसान को नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो श्रीलंका क्या है, भारत के किसान की तरह था, या फिर ये बोलो श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश के भारत के किसानों की तरह बेचारे, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी जमीन के साथ में क्या होने वाला है, है ना। ये चलिए इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पर, है ना। तो ये अपना क्या फॉरेन ट्रेड को लेके बात थी, ये मैंने वैसे ही लगा दिया डायग्राम, आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं हमारी क्या समान नागरिक संहिता, यानी कि कॉमन सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड, ये बात अभी पिक्चर में क्यों आ गई, कौन सी कॉमन सिविल कोड वाली, किसी को पता है ये बात पिक्चर में क्यों आ गई अभी, कहां पर, बिल्कुल एक ही बात है दोनों के दोनों, उत्तराखंड में लागू होने की बात चल रही ना, इसीलिए, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ को मैं अच्छा मानता हूँ, ये चीज़ तो खैर अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्तमान सरकार को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध और ये अच्छा भी है ना, क्योंकि इसमें क्या है हमारे समाज के, ठीक है, सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन है, यानी कि कौन, महिला हुए, माइनॉरिटीज हुए, उनके सामने जो अत्याचार हो ना, वो अत्याचार को जाएंगे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, है ना। तो चलो इसी खबर को अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हम जो कॉमन सिविल कोड है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 DPSP का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट पॉलिसी, है ना, उसके आर्टिकल 44 में इसका क्या है मेंशन है ना, DPSP में, ठीक है, किसका, कॉमन सिविल कोड का। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर ये पहले से, जो ना, गोवा, सभी को पता है ये बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये बोलता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, ठीक है ना, जितने भी कानून होंगे, जो लॉज होंगे, वो सभी के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। जबकि हमको पता है कि इंडिया में क्या है, क्रिश्चियन अपना अलग लॉ चलाते हैं मैरिज का, मुस्लिम अलग अपना लॉ चलाते हैं मैरिज का, है कि नहीं है। और जो हिंदू है, हिंदू का तो खैर एक्ट चल रहा है वो 1955 वाला, उसके आधार पर, तो हिंदू का तो खैर काम सही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जो चीज़ सही है यहाँ पर वो चीज़ सही कही जा रही है, और जो चीज़ गलत है उसको यहाँ पर अपन अपोज कर रहे हैं, अपन क्या ये नहीं करेंगे बिल्कुल निगेटिव बोल रहे कि हाँ ये कमी है, इस कमियों को दूर किया जाए। अगर आप अपना पर्सनल लॉ फॉलो भी कर रहे हो तो आप उसमें ये कमियों दूर करो, क्योंकि इसमें क्या है न्याय सभी के साथ होना चाहिए, कहने का मतलब ये। और यदि मान लो आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर वहां पर क्या है, जो गवर्नमेंट है वो आके इंटरवीन करेगी, और आपके जो खुद के पर्सनल कानून है, जो लॉज है, उन्हें खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेकर आएगी, फिर वो सभी के लिए समान रहेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या बातें आती हैं, मैरिजेस आती हैं, ठीक है, आप लोग भी करोगे आने वाले टाइम में, लड़कियों को ये वाला हाथ दिखेगा, लड़कों को ये वाला हाथ दिखेगा, हाथों में मेहंदी लगेगी तो हाथों को, जो हाथ मेहंदी लगती है ना, मेहंदी तो हाथ फट जाती है, स्किन फट जाती है, पता है किसी को लगाइए मेहंदी कभी हाथ में, हाथ फट जाते कि नहीं फट जाते, नहीं मेरी शादी हुई तो मुझे लगाई थी मेहंदी, मैंने जिंदगी पहली बार मेहंदी लगाई थी उस टाइम पे, है ना, तो हाथ बिल्कुल ऐसे होते, ये लग क्या रहा है, जैसे मान लो हाथ को अपन गाल में फेरो ना तो गाल की स्किन पे लगने लगती थी, बिल्कुल ड्राई हो जाते थे हाथ। फिर डिवोर्स केसेस, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ के अलग हो गए, बच्चों को बेचारों क्या होगा, ठीक है, एडॉप्शन केसेस, एडॉप्शन में कौन आ जाएंगी, मिस यूनिवर्स, ठीक है, माइनॉरिटीज, वल्नरेबल सेक्शंस, है ना, और इनहेरिटेंस, उत्तराधिकारिता, यानी मेली ये किसको लेता है, प्रॉपर्टी को लेकर रहता है। बिल्कुल, तो आप देखना ध्यान से एक बात, इधर हम जो ये इतनी बातें देख रहे हैं, इन बातों में आप एक चीज देखना, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, जो शरीर से कमजोर है वो, है ना, वल्नरेबल सेक्शन में क्या, बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे, है ना, या फिर जो जेंडर वाइज अलग है, जैसे कि महिलाएं, है ना, और खासकर से आप देखना महिलाओं को लेकर ही अपने इंडिया में क्या, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में खैर वो चीजें हैं, है ना, जो सोच है वो कैसी है, मेल डोमिनेटेड सोच है ना, पुरुष प्रधान सोच है, ठीक है ना, महिलाओं को क्या उस लेवल से देखते नहीं। आपको शायद पता होगा जब महिलाओं के रिजर्वेशन की बात आती है किसमें, संसद में, है
है ना, तो उस टाइम पे नेता लोग क्या बोले थे कि अगर मान लो महिलाओं को संसद में सांसद बना दिया, यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तो यहाँ पे अगर लिपस्टिक की और काजल किसी की चर्चा होगी, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। आपने कैसे ये ना ये बात बोल दी, आप सीधे प्री जुडाइज हो पूरे तरीके से, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो आप पूरे तरीके से, कि आपने ये बात कैसे बोल दी। चलिए तो ये कुछ बात है, इन्हीं को हम क्या बारी बारी से देखने वाले, जो वो खबर है ना खबर, वो नॉर्मल खबर थी, बस उसके पीछे का इतिहास क्या और वर्तमान क्या है उसको बस हम जोड़ के देखने वाले हैं। इसी का मैं आपको मेन सा क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम क्या है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872, क्योंकि हमारे यहां पर क्या है ब्रिटिशर्स का रूल रहा था तो वो अपना एक अलग से कानून लेकर आए थे, ठीक है। उसके बाद में कौन, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कौन सा 1937 वाला, ठीक है, और फिर हमारा हिंदू का मैरिज एक्ट कौन सा 1955 वाला, ठीक है ना। अंबेडकर जी ने कहा था इसको यहाँ पर, है ना, काफ़ी उनका योगदान रहा इसमें, है। अच्छा आपको एक चीज़ पता होगी, अंबेडकर जी ने अभी उनकी कुछ पुरानी जो ना जो वो थी बातें वो निकल कर आई, उनके कुछ पुराने आर्टिकल जो उस समय लिखे थे किसको लेकर, चाइना को लेकर, वो सारी बातें सही होकर निकल आ रही है इस समय, पता है कि नहीं पता है, है? आप देख रहे, चाहे जम्मू कश्मीर वाला मामला हो, ठीक है, चाहे चाइना वाला मामला हो, ठीक है, अपन एक्चुअली क्या करते हैं, अंबेडकर जी को केवल रिजर्वेशन से जोड़ के देख लेते हैं, जबकि रिजर्वेशन तो उन्होंने क्या 10 साल के लिए बोला था, है ना, ये तो क्या आगे जो हमारे आज के नेता वो बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं ना, गलती नेताओं की, ये तो केवल 10 साल के लिए बोल के गए थे, लेकिन आप देखो जम्मू कश्मीर को लेके चाइना को लेके उन्होंने जो बात उस समय बोली थी वो सारी बातें सही साबित होती चली जा रही है, सारी की सारी ए टू जेड बात है। आपको पता है ना पंचशील पैक्ट पता है कि नहीं पता है, जो चाइना के साथ में किया गया था, झाओ वैन लाई आया था यहां पर, कौन, हमारे चचा नेहरू से मिलने झाओ वैन लाई आया था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, किन दिया था, पंचशील पैक्ट किया था, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया किन्ने, हमारे अंबेडकर जी ने, कि ये पंचशील पैक्ट नेट कुछ नहीं है, है ना, वो देश कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट देश जब तिब्बत को पूरा खा गया, वहाँ के कल्चर को पूरा खत्म करने में लगा हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो आपका दोस्त रहेगा। और आपको पता है अंबेडकर जी के जाने के बाद में 1962 में चाइना ने, और आज भी देखो चाइना क्या कर रहा है, ये चीज, ये सारी बातें बोले, वो पुराने क्या है जो आर्टिकल थे ना जो लंदन में है इस समय म्यूजियम में रखे हुए, वो सारे सारे निकाले गए, वहां पे देखा गया कि ये बात जो अभी चल रही है हमारी चाइना वाली, इन बातों को पहले बोल दिया था इस व्यक्ति ने, है ना, तो वो विजन कितनी शानदार है, कहने का मतलब ये है ना। लेकिन अपन लोग क्या उनको गलत रूप में ले जाते हैं, ठीक है, पहले क्या मेरे दिमाग में वो चीजें भरी हुई थी, है ना, लेकिन क्या जब मैंने चीजों पढ़ना शुरू करा, समझना शुरू होता तब मालूम पड़ा, समझने के बाद में कि नहीं आदमी थोड़ा अलग लेवल का है ना, ये वो तो खैर। अब देखो जो मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं, यहां पर हम किसको लेकर आए, ये एक महिला, इनका नाम है क्या, शाहबानो, नहीं महिला का नाम पूछ रहा हूं, उसका आदमी का नहीं, ये इंदौर की महिला थी, 60 ईयर इनकी उम्र थी, इनके जो हस्बैंड थे उसका नाम था अहमद खान, ठीक है ना, ये बात है 1985 के टाइम की, ठीक है, इनका जो हस्बैंड था उसने इन्हें क्या कर दिया, डिवोर्स दे दिया, तलाक 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 3 बार, ठीक है, अब ये ऑलरेडी 60 साल की है, बूढ़ी है, yes. है ना, ऊपर से 5 बच्चे, तो एक तो कमजोर शरीर और ऊपर से 5 का पंच, ये वाला बोझ अलग से, तो ये सब कुछ मैनेज कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या है, इन्होंने कंपनसेशन मांगा अपने पति से, तो कंपनसेशन को कितना मिलता था, 20 रुपए पर मंथ, ठीक है, 20 रुपये काफी होता था, लेकिन क्या आप अकेले हो, 2-3 बच्चों तो चल जाएगा, लेकिन 5 बच्चों में आप कैसे क्या कर पाओगे, तो फिर क्या इन्होंने केस किया कोर्ट में, और ये वो केस जीत भी गई, तो फिर इनका जो राशि थी जो अमाउंट था वो बढ़ा के कितना कर दिया गया, 179.20 रुपीज, 179 रुपये अब 20 पैसे ये कर दिया गया, उस समय तो पैसे चलते थे 1985 के टाइम पे, ठीक है, ये चीज। अब क्या हुआ, जब ये चीज हो गई, कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया कि नहीं, मिस शाहबा जो मिसेस शाहबानो है ये बिल्कुल सही है, अहमद खान से कहा गया कि आप इनको हर महीने का इतना कंपनसेशन दीजिए, ठीक है ना, तो गुस्सा किन को आई, मौलवियों को, ठीक है ना, मौलवी समझ गया ना, मौलवी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मौलवी, उन मौलवियों ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोर्ट कौन होता है हमारे पर्सनल लॉ में दखल देने वाला, तो वो मौलवी उचक के किसके पास पहुंच गए, नहीं कोर्ट में नहीं, इसके पास
राजीव गांधी के पास में है ना, ये वही राजीव गांधी है ना, जिनका जो हत्यारा अभी गया जेल से रिहा हो गया कि नहीं हो गया, बेल मिल गई, जो भी कुछ है पैर अली वाले है ना वही, इनको क्या बम से उड़ा दिया गया था है ना, तो बम बम पे लिखा फटने वाले का नाम, उड़ गए थे ये है ना बिल्कुल। तो देखो मौलवी इनके पास पहुंचे और मौलवी ने इनसे बोला कि कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ में दखल दे रहा है, ठीक है, तो आप कुछ कीजिए। तो इन्होंने क्या करा, कोर्ट ने जो फैसला इस महिला के हक में सुनाया था, शाहबानो के हक में, उसको उन्होंने एक नया कानून बना के क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ये अपना खुद के कानून लेकर आ गए अलग से 1986 के समय है ना, मतलब वो ऐसा करके था महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986, कुछ इस प्रकार का जो ना वो लॉ था, वो अपने खैर काम का नहीं, बस हमको तब पता हो कि अलग से एक लॉ लेकर आए जिसने क्या करा, जो कोर्ट का डिसीजन था पूरा पूरा खत्म कर दिया है ना। क्या चीज, कौन सा वापस करने वाला, नहीं नहीं डाउरी वापस करने वाला नहीं था, ये कंपनसेशन वाली जो बात आई ना ये खत्म करने के लिए कि क्योंकि देखो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना उनका जो अपना खुद का शरीयत कानून है, उनका शरीयत कानून ये कहता है कि यदि मान लो महिला को तलाक दे दिया तो आप उसे फिर जो ना गुजारा भत्ता देंगे ही नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, वो अपना देखे उसे जो देखना है। मतलब आपने क्या करा, एक जानवर की तरह जो ना अगले व्यक्ति को छोड़ दिया ना, है कि नहीं है, मतलब ये क्या हो रही है, जाति हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो आपके लिए जाति नहीं होगी लेकिन उस महिला से जाति होगी ना, क्योंकि वो क्या एक इंसानी तो है ना, कोई रास्ते पशु थोड़ी है। ये चीज इन्होंने चीज को हवा दे दी क्या करके, एक नया कानून बना के, एक नया लॉ बनाकर। अब देखो हुआ क्या, जब इन्होंने कानून बना दिया तो जो मुस्लिम थे वो सभी क्या हो गए, अपीज, वो पढ़ी ना आपने अपीजमेंट पॉलिसी, कहीं पढ़ी है तुष्टिकरण की राजनीति है ना, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ना, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ना। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये क्या करती है, मुस्लिमों का तुष्टिकरण करती है, क्या करती है ये बता रहा हूं। जैसे जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था है ना, नहीं अब मैं बुढ़ा बच्चा हूं। अब देखो क्या हुआ, मुझे बाजार में एक लॉलीपॉप पसंद आई जिसकी कीमत थी 50 रुपए और मैं पिताजी के पीछे पड़ गया कि मुझको यही 50 रुपए वाली लॉलीपॉप चाहिए, ठीक है ना। पिताजी ने बोला कि बेटा अभी मेरे पैसे नहीं है इतने कि मैं तुझे 50 रुपए की लॉलीपॉप खरीद के दे पाऊँ, ये 5 रुपए वाली है ये ले ले। तो क्या हुआ, मुझे लॉलीपॉप मिल गई ना कुछ समय के लिए, मतलब मैं क्या हो गया, खुश हो गया कुछ समय के लिए, मतलब पिताजी ने मेरा क्या कर दिया, तुष्टिकरण कर दिया लॉलीपॉप मुझको दिलवाकर, ठीक है। अब मेरे साथ में क्या, मेरा भाई भी था, मेरी बहन भी थी, उन्होंने भी बोला कि हमको भी दिलवाओ, है कि नहीं, तो उनको भी क्या कर दिया, वही 5 रुपए वाली लॉलीपॉप लेके दे दी। अब आप मान लो 15 रुपए में क्या तीनों के तीनों खुश हो गए इस समय, वरना 50 रुपए की एक जने को लेके देते तो 150 रुपए जाते कि नहीं जाते। तो यहाँ पर क्या करा, तुष्टिकरण कर दिया गया, मेरा एक सस्ती लॉलीपॉप मुझको दिखे, यही वो तुष्टिकरण है। मुस्लिम लोग जो मुसलमान लोग थे, इनका जो अपना शरीयत कानून है उसमें ये लोग ये बोलते हैं कि हमारे कानून में जो चीज़ बनी हुई है आप उसमें दखल ना दे, वहां जो लिखा हुआ है पूर्णता क्या होगा वो ही मान्य होगा और कुछ नहीं है ना, कोर्ट उसमें दखल देने वाला कोई नहीं होने वाला है ना। लेकिन कोर्ट ने दखल दिया इसलिए किसके पास पहुंच गए, इनके पास में। तो इन्होंने एक नया कानून बना दिया किनके हक के लिए, इनके शरीयत कानून के हक के लिए है ना। और ये बेचारी क्या हो गई, पूरी पूरी मतलब आप देख रहे पूरी पूरी रेस में जिस महिला का न्याय होना था और हुआ भी, वो क्या दोबारा से अन्याय के घेरे में आ गई, है कि नहीं है ये चीज़। तो देखो इन्होंने ये चीज़ क्यों की, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति मेनली क्या मुस्लिम वोट से भी चलती थी बहुत सारे एरियाज में, इसलिए इनकी इनकी क्या मजबूरी थी कि इनको मुस्लिम को अपीज करना ही था, इनकी मजबूरी थी किसकी, कांग्रेस की। इसके अलावा आपको पता होगा अपन ने कुछ दिनों पहले न्यूज़ पढ़ी थी, कौन सी, राम मंदिर को लेके, कौन सा एक्ट था वो 1991 वाला, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें शायद पता होगा सेक्शन नंबर 5 था कि नहीं था, सेक्शन नंबर 5 में जो अयोध्या वाला मामला था उसको केवल एक्सेप्ट कर रखा था कि नहीं कर रखा था, तो वो चीज क्यों कर रखी थी, ताकि हिंदू वोट भी हमारे साथ बना रहे। तो यहां पे मुस्लिमों को साथ लिया ये नया कानून बनाकर, और वहां पर क्या किया कि जो बाबरी मस्जिद है ना उसका जो परिसर है ना, उसका जो एरिया परिसर यानी कि जो ग्राउंड है वहां पर शिलान्यास करवा दिया किसका, राम मंदिर का, है ना, इस टाइप से। तो हिंदू भी क्या अपने अंटे में आ जाए, कहने का मतलब ये है, सभी को ले लिया, मुस्लिम्स को भी और हिंदू को भी। वो अलग बात है कि आगे फिर क्या हुआ आपको सबको पता ही है ना। खैर अपन उसी बात नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे गए यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो ये शुरुआत हुई यहाँ पर, अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर हम आते हैं 2011 के टाइम पे। 2011 में ये हालांकि ये जो केस है 2017 केस है ना, 2011 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किससे, सरकार से कहा, आपको पता है 2011 में जो ना गवर्नमेंट किसकी थी, सेंट्रल में कांग्रेस यानी यूपी है, ठीक है ना, ये जहाँ वो यूपी यानी कांग्रेस ही मान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किससे, गवर्नमेंट से कहा कि ऐसे केसेस बहुत निकल कर आ रहे हैं, कृपया आप लोग, अब वक्त आ गया है, ये 2000 से पहले का वक्त नहीं है, ये 2022 का 21st सेंचुरी चल रही है, अब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि कॉमन सिविल कोड इस पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो कांग्रेस सरकार है वो पता है वो क्या करती है, मुस्लिमों का
तुष्टिकरण, इसलिए वो वहाँ पर काम चाह के भी नहीं कर पा रही। तो भाई सीधी बात क्या है, सरकार चेंज होनी चाहिए, तभी उस पर क्या होगा, काम होगा, जो अभी होना शुरू हुआ है ना। क्योंकि मामले क्या बहुत ज़्यादा तलाक के उस समय बढ़ने लगे थे, है ना, जो लोग थे वो क्या तलाक तलाक तीन बार बोल के ख़त्म, और बेचारी महिला क्या हो गई, बिल्कुल अकेली पड़ गई, है ना। भोपाल में बहुत सारे से केसेस निकल कर आए थे, हैदराबाद में से बहुत सारे केसेस निकल कर आए थे, है ना। 2017 के टाइम में मालूम ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था, उसकी शादी हुई थी महिला से, है ना, तो मेकअप मेकअप कर लेती महिलाएं, तो खैर उस टाइम पे जिस दिन शादी होती है ना, बढ़िया पुट्टी मुट्टी पोत लेना पूरे चेहरे पे, समझ में नहीं आता, चेहरा पूरा चेंज हो जाता है नहीं, बिल्कुल नई दीवार बन जाती है ऐसे। अब पता पड़ा अगले दिन वो लोग घूमने फिरने गए कहाँ पर, जो वो था ना स्विमिंग पूल वाला एरिया, वहाँ पर वाटर पार्क, वाटर पार्क, वाटर पार्क में घूमने के लिए गए, तो वहाँ पर क्या है, महिला जैसी उसमें पानी में कूदी स्विमिंग करने के लिए, और जैसी बाहर निकल कर आई तो जो आदमी था वो देख के घबरा गए, अरे ये क्या हुआ कि कल रात को कुछ और रूप, तो ये क्या हो गया, रूप ही चेंज हो गया, मतलब ये वो है ही नहीं, तो उसने तो क्या बोला, तलाक 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 तीन बार, वो तलाक हो गया। तो ऐसे केसेस भी निकल कर रहा है उस टाइम पर, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा, इंटरवीन करके सरकार से बोल रहा था कि आपको अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। ये 2011 वाली बात हो गई। हम आगे कहां पे, 2017 में जो ये है, इनका नाम है सायरा बानू लिखा हुआ है यहां पर, तो ये दिलीप कुमार की वाइफ नहीं है, ध्यान रखना। ये सायरा बानू कहां की थी, ये थी उत्तराखंड की, ये वही उत्तराखंड है, यहां वर्तमान में किसकी तैयारी चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी चल रही है, ठीक है ना। इनके पद, इनकी शादी हुई थी इलाहाबाद के एक जो ना बड़े बिजनेसमैन से, उस बिजनेसमैन ने किस पे, टेलीग्राम पर ही इनको जो ना भेज दिया मैसेज, तलाक तलाक तलाक। सोशल मीडिया का कितना बेहतरीन यूज किया, ठीक है, टेलीग्राम से तलाक तलाक भेज दिया, है ना। अब जो मौलवी था ना, मौलवी, मौलवी के पास ये मैसेज लेके पहुंची, तो मौलवी ने बोला कि नहीं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, और चाहे वर्बली मुंह से कहा गया हो, यदि मान लो तीन बार तलाक तलाक बोल दिया है, तो फिर तलाक हो जाएगा, आपको पति से अलग ही होना पड़ेगा, ठीक है ना, ना कोई गुजारा भत्ता दिया जाएगा, ना कुछ दिया जाएगा। इसलिए ये केस को कहां पे ले गई, कोर्ट में ले गई। और आपको अच्छे से पता है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है ना, वो कानून लेकर आई और उन्होंने क्या, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। तो ये सबसे अच्छा काम किया गया, ठीक है ना, मुस्लिम महिलाओं के हक में ये फैसला आया, ये बहुत अच्छा काम हुआ, ट्रिपल तलाक पूरी तरह क्या हो गया, बैन हो गया, है ना। अब देखे, देख लो ये तलाक तलाक तलाक, इसलिए आप देख रहे हैं जो मौलवी लोग थे वो फिर से क्या हो गए, गुस्से में आ गए, है ना। और गुस्से में आएंगे तो सीधी बात है, फिर विरोध करेंगे, विरोध करेंगे तो फिर क्या, सड़कों पर तोड़फोड़ भी करेंगे, है ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी जलाएंगे, है ना। लेकिन इस मामले में जो हमारे सबसे बेस्ट सीएम है कौन, ये मुझे बहुत शानदार लगते हैं, मुझे बीजेपी में दो लोग बहुत बेहतरीन लगते हैं, एक नितिन गडकरी और दूसरे योगी आदित्यनाथ। इन्होंने सीधे बोला कि अच्छा ऐसा, तो अब क्या चलेगा, सीधे बुलडोजर, तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को चलाओगे, तोड़ोगे, हम तुम्हारे घरों को बुलडोजर से तोड़ेंगे। तो बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू हो गई आज की डेट में, और जो बहुत बढ़िया पॉलिटिक्स है ऐसे लोगों के लिए, तो मैं खैर सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या कभी कभी मिसयूज भी हो जाता चीज का, है ना, ये चीज, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। लेकिन हाँ, जिसने गलती की है ना, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए फिर, ऐसी है। वो तो हो ही चुका है, खैर अब क्या कर सकते, वो तो हो ही चुका है ना, और मजबूरी है आज के टाइम में। देखो चीजें बदल, देखो मैं आपसे बताऊं क्या बोलो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छे के लिए यदि मान लो कानून को हाथ में लिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मान लो उस कानून को मिसयूज किया जा रहा है तो फिर गलत बात है। और मिसयूज भी क्या, कहीं कहीं चीज निकल कर आया तो वो अपन मानते कि हाँ वो चीज गलत है, है ना। लेकिन अच्छे के लिए यदि मान लो कानून हाथ में लिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कोई आपको मर्डर करने के लिए बंदूक लेकर आया, उसने आप पे क्या, आपकी कनपट्टी बंदूक तान दी, वो ट्रिगर ही दबाने वाला था, इससे पहले क्या करा आपने, उसे बंदूक छीन के उसी पे कर दिया कि नहीं कर दिया, तो क्या आप उसका मर्डर किया था, आपने मर्डर नहीं किया ना, आपने क्या किया, सेल्फ डिफेंस में तो गोली चलाई है कि नहीं है। तो आपने खुद की जान बचाने के लिए, आपकी इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की, आपने खुद की जान बचाने के लिए उसका कट्टा उसे छीन के उसी को टाटा बाया कर दिया उस कट्टे से, कहने का मतलब ये है। तो वो क्या लिखा है, बिल्कुल है ना। चलिए खैर, तो इन्होंने ये राजनीति शुरू कर दी, ये बात समझ जाएगा यहां पर, है ना। सायरा बानो वाला केस जो 2017 वाला, वो ये चीज है ना। अब हम आते हैं वर्तमान 2022 में, तो 2022 में कहां पर, अच्छा उससे पहले अपन एक चीज और देख ले, राजस्थान एक मामला और है जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये अभी एक साल पहले का मामला था। राजस्थान में कौन सी, ये जो ट्राइब है, ये कौन सी ट्राइब है, ये है मीणा ट्राइब, मीणा ट्राइब,
मीणा ट्राइब है राजस्थान की, ठीक है ना, राजस्थान में मीणा लोग बहुत फेमस है ना, कलेक्टर वलेक्टर खूब बनते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पे क्या शेड्यूल ट्राइब है ना, आदिवासी लोग हैं। इसमें क्या है, मीणा ट्राइब में जो ना एक महिला पुरुष थे, वो लोग क्या कर रहे थे, आप जो वहाँ का पुरुष था, पुरुष मीणा ट्राइब का, वो तलाक लेना चाहता था अपनी वाइफ से, ठीक है ना, और उसने क्या करा, कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की, क्या बोल गए कि मैंने अपनी वाइफ से अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1950 के अनुसार शादी की है ना, अब मुझे इससे चाहिए तलाक, मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता, ये डेली की डेली मेरा खून पीती है मच्छर की तरह। अब क्या हुआ, जो महिला थी उसका आप पॉइंट सुनना, उसने क्या बोला कि देखिए भले ही 1955 के एक्ट के अनुसार ये मुझसे तलाक लेना चाहता हो, लेकिन चूंकि हम क्या हैं, एक ट्राइब है, और ट्राइब का अपना क्या है, खुद का कानून है, और उस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब जो उनका आदिवासियों का जो कानून है उसमें स्पष्ट लिखा, मीणा आदिवासी कानून स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर मान लो एक बार शादी हो गई तो तलाक नहीं दे सकते। तो क्या यहां पर कोर्ट ने दोनों के पॉइंट सुने, और कोर्ट ने क्या दोनों को सही भी बताया कि यार सही तो ये आदमी भी है और ये औरत भी है, तो किया क्या जाए, बात किसकी मानी जाए, है ना। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम चलना अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है आज की डेट में, है ना। अब इसका फैसला क्या निकला, फैसला आप देखना, फैसले में तो अभी ये कि क्या बातचीत चल रही है, ठीक है। ये जो राजस्थान का कोर्ट था ना, जोधपुर कोर्ट, उसने तो बोल दिया था कि हाँ ये तलाक नहीं होगा, बाकी फिर ये कहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में मामला। अब सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, दिल्ली में है, तो जब भी कोई मामला दिल्ली पहुंचता है तो फिर वो पिक्चर में आ जाता है ना, इसलिए ये जो मीणा वाला मामला है हमारे पिक्चर में आ गया। इसीलिए आगे चल के अब कौन, उत्तराखंड के सीएम, जिनका नाम क्या है, उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी, है ना। इन्होंने अब किस पे काम करना शुरू कर दिया है कि भैया उत्तराखंड में तो अब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, हर प्रकार के कानून सभी के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, ठीक है ना, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मेनली जो ये कानून किसके लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए, आप देखना ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, जो कमजोर लोग होते हैं और महिलाएं होती हैं उन्हीं पर ही अत्याचार हो रहे होते हैं, तो उन्हीं को अत्याचार से क्या करना है, बचाना है ये कानून लाकर। आप देखना हम वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को किससे जोड़ते हैं, मेनली मैरिज से जोड़ते हैं, कहीं जोड़ते हैं, क्योंकि यही मामले क्या सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं, तलाक वाले, ये भी डिवोर्स वाले मामले निकल कर आते हैं ना ज्यादातर, क्योंकि आप देखते हुए आएंगे सबसे ज्यादा अन्याय किस साथ में हो रहा है, महिला के साथ में हो रहा है ना, तो पहली प्राथमिकता क्या है, महिलाओं को बराबर का हक देने का है, ठीक है ना, ये चीज, तो ये बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ये चीज, क्योंकि आप देखो ना गोवा भी अपने अपने स्टेट है, और आप देखना अभी आगे चलकर एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये लोग भी जैसे क्या यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी ना, तो कर्नाटक एमपी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा धीरे धीरे करके यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि यहाँ पर क्या सेम गवर्नमेंट है ना जो सेंटर में, इसीलिए तो बीजेपी शासित जितने राज्य है ना वो सभी लोग क्या करने वाले हैं, वो सभी लोग जो ना यूसीसी लाने वाले हैं, आप ये मान के चलो, वो जो अच्छा भी है, वो कहीं से कहीं गलत नहीं, वो अच्छा है बहुत। चले अभी ये मैंने एक जो यहाँ पर डायग्राम दिया, अपने दिमाग में उतार लो, देखो गोवा, गोवा में है, ठीक है, इसके बाद में क्या उत्तराखंड में लाने की तैयारी की जा रही है, पक्की बात आ जाएगा, इसके बाद में क्या मध्य प्रदेश में भी आएगा और कर्नाटक में भी आएगा, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम इन पर, बी आर अम्बेडकर जी पर। इन्होंने जब ये कानून उस टाइम पे 1955 में बनाया गया था, इन्होंने क्या बात बोली थी, देखो 1955 में क्या हुआ था, हम लोग नए नए आजाद हुए थे ना, मतलब 7-8 साल ही हुए थे आजादी को, और आप जानते हो इंडिया क्या है, डायवर्सिटी वाला देश है, यहाँ पर मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी है, कह देंगे सभी लोगों में यूनिटी बनाए रखना जरूरी है ना। अब क्या है, क्रिश्चियन के अपने अलग से पर्सनल लॉ है, मुस्लिम के अपना अलग से क्या शरीयत लॉ है, अगर मान लीजिए आप उन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को जबरदस्ती इम्पोज करोगे तो हो सकता हो फिर से डिफरेंसेस आए, कि अभी अभी एक पाकिस्तान बना था, कहीं ऐसा ना हो शरीयत पर यदि आप इसे लागू करवाओ तो फिर क्या 3-4 नए कब्रिस्तान बन जाए, है कि नहीं है, यानी कि नए देश बन जाए, कहने का मतलब ये है। चले तो देखो अंबेडकर जी ने क्या बात बोली थी, वो बात यहाँ पर लिखी है, इन्होंने बोला था, अंबेडकर इन हिज स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड सेड नो वन नीड्स टू बी अप्रेंसिव दैट इफ द स्टेट हैज द पावर द स्टेट विल इमीडिएटली प्रोसीड टू एक्सिक्यूट बाय क्रिश्चियन और एनी अदर कम्युनिटी टू बी क्वेश्चन थिंक इट वुड बी अ क्रेजी गवर्नमेंट इफ डिड दैट। अब मेरी बात सुनना, ये तो मैंने फटाफट पढ़ दिया यहाँ पर, इसका सार क्या, सार समझ लो आप, इसका सार सीधा से ये है कि 1955 में जब ये लॉ लाया गया था, कौन सा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, है ना, मतलब इसकी चर्चा चल रही थी, तो अंबेडकर जी ने इतना बोला कि इसको क्या धीरे धीरे अपनाया जाए, इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जाए, यदि मान लो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट इसे जबरदस्ती क्या अपने सिटीजन पे थोपती है ना, स्टेट के जो नागरिकों में थोपती है, तो वो क्या होगी, बिल्कुल टोटल मूर्खता होगी, क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है फिर सिविल वॉर हो सकता है, मतलब ऐसी स्थिति आ सकती है, कहने का मतलब है ये, ठीक है। चले क्लियर हो गया,
अब आप क्वेश्चन लिख लो, इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो मेंस के पर्पज से लिखना है, बिल्कुल सिविल कोड का क्वेश्चन लिखिए आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म ये लिखा क्वेश्चन मार्क लगा के इसके आगे लिखना फिर आप लोग। हाउ दिस लॉ कैन क्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया। फुल स्टॉप लगा के लिखना। इलस्ट्रेट योर आंसर। इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल का यूज करके अपने आंसर को एक्सप्लेन करना, ठीक है? तो ये आपको लिखकर लाना है, 200 वर्ड्स में 11 मार्कर का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल में जो केसेस थे अपने, शाहबानो सायराबानो केसेस, ठीक है ना? बाकी कुछ आप अपनी रिसर्च भी करना तो आपको और एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे इसके, ठीक है? चलिए अब हम फटाफट अपने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट निगाह एट ICD गढ़ी हरसारू गुरुग्राम? इनमें से कौन सा कस्टम विभाग है जिसने क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट निगाह को लॉन्च किया है? ICD क्या है? यह है इनलैंड कंटेनर डिपो। कंटेनर जानते हो ना? कंटेनर अपन ने आज खबर पड़ी थी फॉरेन ट्रेड वाली, जो एक्स्ट्रा सामान बनता है उसको आप एक्सपोर्ट करते हो नहीं करते दूसरे देश में, तो उसे आप किस में पैक करोगे, कंटेनर में रखोगे नहीं रखोगे ये चीज? तो देखो ये कहां पर किसने किया इन चारों में से, तो इसका सही आंसर भावनगर, पोरबंदर, जामनगर नहीं है, इसका सही आंसर है दिल्ली कस्टम्स, ठीक है? ये चीज मिस्टर सुरजीत भुजबल के द्वारा। ये देखो इसमें क्या होता है, जो कंटेनर में क्या एक सेंसर लगा दिया जाएगा और इससे इसकी क्या की जाएगी, ट्रैकिंग की जाएगी कि इसके भीतर जो सामान भरा हुआ है उसका कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, मतलब वही तो सामान है ना जो भेजा जा रहा है, कहीं तो नहीं कि इसके भीतर का ड्रग्स भरा हुआ हो बहुत सारा, या फिर क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें क्या आदमी लोग बैठे हों, इंसान लोग हों, ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड? अपन ने खबर पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा ये। हाँ लेवेंडर फ्लावर है ये, कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ, तो कहाँ पर? अरे भूल गए, पल्लवी आपको याद है, पल्लवी भूल गई, जम्मू कश्मीर है ना, जो ये लेवेंडर फेस्टिवल था जम्मू कश्मीर में, क्या लेवेंडर की अच्छी खासी एग्रीकल्चर मतलब खेती की जाती है ना, उसको हम कौन सी रेवोल्यूशन बोलते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन। कौन सा? पर्पल रेवोल्यूशन। हाँ केसर तो यार सैफ्रन होता है ना, वो लेवेंडर थोड़ी होता है, केसर का हाँ रहता होगा पर्पल कलर का फूल तो और भी होते हैं, जैसे तो क्या जो वो आपका गुलाब होता है, वो गुलाब बोल रहा हूँ, लोटस होता है वो भी पर्पल कलर का होता है, कुछ 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 पिंक से है ना, अपन तो केवल लेवेंडर देख रहे हैं यहाँ पर। लेवेंडर किस में यूज होता है? मेनली परफ्यूम या सेंट बनाने में, ठीक है ना, घर के बाथरूम में जो ओडोनिल होती है, ओडोनिल में ये मिला हुआ रहता है, या फिर जो रूम फ्रेशनर होते हैं उनमें ये रहता है, ठीक है? तो भांडेरवा इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना? और इसे लॉन्च किसने किया इस फेस्टिवल को? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में देख लो आप लोग। 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी वाली बात थी ना, इसीलिए इसको हिंदी में लिखकर लिया पर, हिंदी पत्रकारिता दिवस। चलो अब हिंदी पत्रकारिता दिवस वाली बात ध्यान रखना, 30th ऑफ मई, कल 30 तारीख थी ना, इसीलिए तो 30 मई को कौन सा है? हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक है ना, हिंदी जनरल डे। अब मेरा सुनना, जो हमारा पहला न्यूज़पेपर था हिंदी का, उसका नाम कोई बता पाएगा? बताओ। अरे वाला तो था साउथ में पब्लिश हुआ, बंद हो गया था कुछ साल पहले, दो साल बाद बंद हो गया था। अच्छा चलो नाम बताएं उसका अपन जल्दी से,
1826 में जो ना पहला हिंदी भाषा का अखबार निकला था, कब 1826 में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था उदंत मारतंड, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। ये रहे वो, ये रहा उदंत मारतंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO सेलेक्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 फॉर स्टेट्स एफर्ट इन कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन, ठीक है ना। तो कौन इन चारों में से कौन है, मतलब इन चारों में से कौन सा वो स्टेट है जिसने क्या टोबैको पे अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया और WHO से क्या अवार्ड देने जा रहा है 2022 में? MP? तो देखो इसका सही आंसर है झारखंड, ठीक है ना। तो जिस जगह पे झाड़ियां बहुत उगती हैं उसको मिलने वाला कौन सा अवार्ड? टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल करने वाला अवार्ड, ठीक। ध्यान रखना ये करंट अफेयर है आपका, इसीलिए। लास्ट क्वेश्चन है, हु विंस इंटरनेशनल पैनोरामा गोल्डन अवार्ड फॉर हिज बुक द माउंटेन इज कॉलिंग। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोयम है, तो देखो नाम एक जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ दिख रहे हैं, है ना। तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा वहां पे नाम ऐसे देंगे एक जैसे लगते हुए, ठीक है। बिल्कुल, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा, मुझे रघुपति दिख गया, मैंने राघव राजा राम भी लिख दिया। लेकिन क्या पता मुझे जो ना राजा राम दिखा तो मैं राघव और रघुपति लिख दिया हो, और क्या पता रघु राजन हूं, है ना। तो हमारा आंसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर है KV रघुपति, ठीक है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पोएम है द माउंटेन इज कॉलिंग, ठीक है। चलिए तो आज की सभा हम अपनी यहां समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, मैं अपना मंगलसूत्र उतार लूं ये।